हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्मार्ट कुक चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मनीषा है और आज मैं लौकी के परांठे बनाऊंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करो और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, ये जो पराठे के बीच में मैंने सब्जी रखी है, ये घिया के कोफ्ते की सब्जी है। अगर आप इसको सीखना चाहते हो तो मेरे सब्सक्रिप्शन पर जाकर के जरूर देखें। बड़े दो कटोरी मैंने आटा ले लिया है और मैंने जो घिया कस में कसकर लौकी रखी है इन्हें मैं डालूंगी और इनके साथ साथ मैं मसाला भी ऐड करूंगी। पाउडर, एक चम्मच मिर्ची डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच अजवाइन डालेंगे हाथों से क्रश करके। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे और धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करते हुए टाइट आटा लगाएंगे। टाइट आटा लगाना जरूरी है, नहीं तो ये लूज हो जाएगा। थोड़ी देर भी रख दिया तो हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। हमें छोटी छोटी लोई तोड़ करके अब बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैं बेलूंगी, तवा गरम हो गया है मेरा। डालेंगे परांठा, डाल दिया है मतलब। फिर इस पे तेल लगाएंगे।
जब दूसरी तरफ सिक जाएगा, जब दूसरी तरफ भी ऐसे तेल लगाएंगे, सभी परांठों को मैं ऐसे ही सेकूंगी। धीमी आंच करके सेक सकते हैं क्योंकि अंदर तक सिकना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे परांठे लौकी के कितने अच्छे लग रहे हैं और टेस्टी भी है। आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताएं कि कैसा टेस्ट लगा। अगली वीडियो बने, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।